पलक मन में सोचने लग जाती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ पर मेरे अलावा भी कोई और मौजूद है। इतना कहकर पलक अपने आसपास देखने लग जाती है, पर अंधेरे में उसे ज्यादा कुछ नजर नहीं आता है। नजर आती है तो सिर्फ वो गुफाएं जो पहाड़ पर ही एक कतार में फैली हुई थी। पलक कुछ पल के लिए एकदम शांत हो जाती है और वापस से उस आहट को सुनने की कोशिश करने लग जाती है जो उसे पहले सुनाई दी थी, पर इस बार उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई नहीं देती है। उसे आहट सुनाई देना तो दूर की बात है, उसे तो अब हवा के चलने की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। पलक खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, कुछ देर पहले तो किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी, अब क्यों नहीं दे रही है। कुछ पल और इंतजार करने के बाद भी जब पलक को कोई आवाज सुनाई नहीं देती है तो वो फिर कुछ सोचते हुए खुद से बड़बड़ा पड़ती है। लगता है मेरे मन का भ्रम था, वरना यहाँ पर कोई होता तो उसके कदमों की आहट मुझे दोबारा जरूर सुनाई देती। मुझे भी ना पता नहीं क्या हो गया है, अब तो मुझे वो आवाजें भी सुनाई देने लग गई हैं जो असल में है ही नहीं। ये सब इन अजीब से जानवरों को देखने के कारण हुआ है, इनकी वजह से ही मुझे ऐसे भ्रम हो रहे हैं। अगर और ज्यादा देर तक इन गुफाओं के पास में खड़ी रही ना तो पता नहीं मुझे और क्या क्या सुनाई देने लग जाएगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चलते बनूं। इतना कहकर पलक वापस से पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने लग जाती है। कुछ घंटे बाद पलक के अंदर पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने का इतना ज्यादा जुनून सवार हो गया था कि वो वक्त की तरफ देखती नहीं है, बस पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते रहती है। उसे थकान महसूस ही नहीं हो रही थी, वो बस अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी और पहाड़ चढ़ते जा रही थी। पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते कितने घंटे बीत गए थे उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था। उसे इस बात का एहसास होता भी कैसे, आखिर उसके मन में तो बस अभिमन्यु से मिलने की तमन्ना थी। वो उसी के ख्यालों में खोई हुई थी और उसके ख्यालों में खोए हुए ही अपने कदम लगातार आगे बढ़ाए जा रही थी। पलक को पहाड़ का शिखर नजर आने लग गया था, वो उस शिखर से कुछ ही कदमों की दूरी पर थी। पहाड़ के शिखर को देखकर पलक के चेहरे पर मुस्कान आने लग गई थी। उसके चेहरे पर मुस्कान आती भी कैसे नहीं, आखिर वो अपनी मंजिल पर पहुंचने वाली थी और मंजिल पर पहुंचने का एहसास ही कुछ और होता है। मंजिल पर पहुंचने के बाद आप वो सारे कष्ट भूल जाते हो जो आपने सफर तय करे होते हैं। पलक वॉइस रिकॉर्डर अपने मुंह के पास लाती है और फिर से उसमें अपनी आवाज रिकॉर्ड करते हुए बोल पड़ती है, मुझे पहाड़ का शिखर नजर आने लग गया है। अब कुछ ही देर में मैं पहाड़ के शिखर पर पहुंच जाऊंगी और मैंने सोचा है कि पहाड़ के शिखर पर पहुंचने के बाद मैं वहीं पर आराम करूंगी, अपना डेरा वहीं पर डालूंगी। अब मेरे अंदर चलने की जरा सी भी हिम्मत नहीं बची है। पलक एक लंबी आह भरती है और फिर बोल पड़ती है, ये पहाड़ काफी रहस्यमयी है। जब मैंने इस पहाड़ी पर मौजूद गुफाएं देखी थी तो मुझे लगा था कि आगे मुझे और ज्यादा खतरा मिलेगा, पर आगे रास्ते में तो मुझे कई सारे औषधीय पौधे देखने को मिले थे, वो औषधीय पौधे जो आसानी से हर जगह नहीं मिलते हैं। इस पहाड़ पर ढेर सारे औषधीय पौधे हैं। अगर इस पहाड़ को औषधियों का पहाड़ कहा जाए तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, मैं तो इसे यही नाम दूंगी। पलक वॉइस रिकॉर्डर में अपनी आवाज रिकॉर्ड करे जा रही थी और उसी के साथ आगे बढ़ते जा रही थी। कुछ ही देर में वो पहाड़ के शिखर पर भी पहुंच जाती है। शिखर पर पहुंचते ही वो सुकून भरी सांसें लेने लग जाती है। वो तुरंत एक अच्छी सी जगह देखकर बैठ जाती है, पर बैठे बैठे ही जब उसकी नजरें पहाड़ के शिखर के दूसरी तरफ जाती हैं, जहां से पहाड़ की चढ़ाई उसे उतरना था, तो वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता है, ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, वो मूर्ति बनकर खड़ी हो गई थी। पलक वॉइस रिकॉर्डर तुरंत अपने हाथ में पकड़ती है और उसमें अपनी आवाज रिकॉर्ड करते हुए एकदम धीरे धीरे बोल पड़ती है, मैं जो बोलने जा रही हूँ, हो सकता है जब इसे कोई सुने तो उसे ये सब सुनकर बहुत अजीब लगे, शायद उसे मेरी बातों पर यकीन ही ना हो, पर मैं वही बोलने जा रही हूँ जो मैं देख रही हूँ। पलक एकदम धीमी आवाज में बोल पड़ती है, इस वक्त मैं पहाड़ के शिखर पर बैठी हुई हूँ और यहाँ से जब पहाड़ की दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ तो मेरी आंखों के सामने एक जंगल है, एक ऐसा जंगल जो रात के अंधेरे में लाल रंग में चमके जा रहा है। मेरी जहां तक नजरें जा रही हैं वहां तक मुझे ये जंगल फैला हुआ नजर आ रहा है, पर यह जंगल कोई नॉर्मल जंगल नहीं है, काफी अजीब है। गुफा में जो जानवर मुझे मिले थे उनसे भी ज्यादा अजीब। मैं यहां से देख रही हूं कि जो जंगल मुझे दिखाई दे रहा है उसके पेड़ काफी अजीब हैं। उन पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो पेड़ ना हो बल्कि इंसानों की खाल है जिसे उधेड़ कर वहां पर लटका दिया हो। हर पेड़ इंसान के खाल की तरह नजर आ रहा है। और तो और पलक इसके आगे कुछ कहती है उससे पहले ही उसे फिर से कोई आहट सुनाई देती है, पर इस बार भी जो आहट उसे सुनाई दी थी वो किसी और चीज की नहीं बल्कि किसी के कदमों की आहट ही थी। पलक बात को बदलते हुए हैरानी के साथ तुरंत खुद से बोल पड़ती है,
मुझे फिर से वही आहट सुनाई दी है जो उस वक्त दी थी जब मैं उन गुफाओं के पास थी। पलक को लगातार वो आहट सुनाई दे रही थी। पलक फिर खुद से बोल पड़ती है, मैं ये बात पक्के तौर पर कह सकती हूँ कि ये मेरा भ्रम नहीं है, मुझे सच में किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पहाड़ पर मेरे अलावा भी कोई और मौजूद है, पर कौन होगा? पलक तुरंत अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और आसपास देखने लग जाती है, पर उसे कोई नजर नहीं आता है। पलक उस आहट को सुनने की कोशिश करने लग जाती है और उसे महसूस होता है कि वो आहट ना ही उसके पीछे से आ रही थी और ना ही अगल बगल से। वो कदमों की आहट पहाड़ की ढलान साइड से आ रही थी जहां से अब उसे पहाड़ उतरना था। पलक पहाड़ की ढलान की तरफ देखते हुए कहती है, ये आवाज तो इस तरफ से आ रही है, इसका मतलब यहीं पर कोई है। पलक पहाड़ के तल से ही नीचे की तरफ देखने लग जाती है। वो बड़े गौर से हर एक जगह पर अपनी नजरें घुमा रही थी। उसी वक्त उसे पहाड़ पर जो झाड़ियां मौजूद थी वो झाड़ियां हिलती हुई नजर आती है। उन झाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेजी के साथ वहां से गुजर रहा हो। सबसे हैरान करने वाली जो बात थी वो ये थी कि सिर्फ एक ही हिस्से की झाड़ियां हिल रही थी, वो भी उस हिस्से की जिस तरफ से आवाज सुनाई दे रही थी। पलक को झाड़ियां तो हिलती हुई नजर आ रही थी पर कोई शख्स वहां से गुजरता हुआ नजर नहीं आ रहा था। पर सन्नाटा छाने के कारण कदमों की आहट एकदम साफ सुनाई दे रही थी। पलक मन में सोचती है, वहां से कोई तो गुजर रहा है पर वहां पर कौन होगा, अभी पुकार कर देखती हूँ। इतना सोचकर पलक कौन है वहां पर कहकर आवाज लगाने वाली थी कि तभी वो खुद ही चुप हो जाती है। पलक खुद से कहती है, ये तू क्या कर रही है पलक, अगर वो शख्स भी कोई नर भेड़िया कपिराज पिशाच या कोई और शैतानी शक्ति निकला तो तू क्या करेगी? नहीं नहीं, ऐसे उसे आवाज मत लगा, उसका पीछा कर और पहले देख कि कौन है वो, तभी कुछ करने की सोचना। पलक को खुद की ये बात बिल्कुल ठीक लगती है और वो यही करने का फैसला करती है। पलक उसी वक्त अपना बैग वापस से अपने कंधे पर टांगती है और जिस तरफ उसे कदमों की आहट की आवाज सुनाई दे रही थी उसी तरफ जाने लग जाती है। पलक ने अपने हाथ में वॉइस रिकॉर्डर पकड़कर पहले ही बटन चालू कर दिया था ताकि हर एक पल को वॉइस रिकॉर्ड में कैद कर पाए। पलक को झाड़ियां हिलते हुए नजर आ रही थी और उस तरफ वो अपने कदम बढ़ाने लग गई थी। कुछ ही देर में फुर्ती के साथ कदम बढ़ाने के कारण अब तो उसे कदमों की आहट भी सुनाई देने लग गई थी और उन कदमों की आहट को सुनकर वो इतना तो समझ ही गई थी कि वो किसी जानवर के कदमों की आहट नहीं बल्कि इंसान के कदमों की आहट ही थी। कोई इंसान ही तेजी के साथ पहाड़ की चढ़ाई उतर रहा था। पलक ने अपनी नजरें तेज कर ली थी। पलक झाड़ियों को हिलता हुआ देखकर अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी और कुछ ही देर में वो आधी पहाड़ी की चढ़ाई उतर भी गई थी। जितनी तेजी के साथ वो आगे बढ़ रही थी कोई उससे भी ज्यादा तेजी के साथ पहाड़ी की चढ़ाई उतर रहा था। यही कारण था कि पूरी फुर्ती के साथ चलने के कारण भी पलक उस शख्स के पास पहुंच नहीं पा रही थी। पलक के दिमाग में ख्याल आता है और वो अपना बैग नीचे उतार देती है ताकि और स्पीड के साथ आगे बढ़ सके। पलक के लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला था पर उस वक्त उसे यही करना सही लगता है और वो वही करती है। अब उसके हाथ में बस वॉइस रिकॉर्डर था जिसे पकड़कर वो आगे बढ़ने लग जाती है, पर बैग उतारने के बाद भी वो उस शख्स से दूर ही थी जो उसके आगे चल रहा था। वो उसके पास भी नहीं जा पा रही थी, बस उसे झाड़ियां हिलते हुए नजर आ रही थी। उन हिलती हुई झाड़ियों में ही पलक जब कुछ ज्यादा गौर से देखती है तो उसे एक शख्स नजर आने लग जाता है। वो शख्स जिसने काला कपड़ा पहना हुआ था, उसे बस उस शख्स की पीठ नजर आ रही थी और पीठ पर काला कपड़ा। पलक मन में सोचने लग जाती है, इस शख्स ने तो काला कपड़ा पहना हुआ है, कहीं यही तो वो काला पोशाक वाला आदमी नहीं है जिसके बारे में कब्रिस्तान की आत्माओं और उन नर भेड़ियों ने जिक्र किया था। पलक कुछ सोचते हुए तुरंत हामी भरते हुए बड़बड़ा पड़ती है, हाँ ये वही होगा, आखिर उन्होंने ही तो कहा था कि वो बूढ़ा और काला पोशाक वाला आदमी दक्षिण की तरफ गए हैं और ये भी तो दक्षिण की तरफ ही जा रहा है, पर वो बूढ़ा नजर नहीं आ रहा कहीं। पलक यही सब बड़बड़ाते हुए बड़ी तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए जा रही थी, पर उसके अंदर एक उम्मीद जाग गई थी क्योंकि कई महीनों बाद उसे कोई इंसान नजर आया था। वो इंसान कौन था ये तो वो नहीं जानती थी, पर वो उसे देखना चाहती थी, जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन है और दक्षिण की तरफ क्यों बढ़ रहा है। पलक जैसे तैसे करके उस शख्स का पीछा कर ही रही थी कि तभी अचानक से झाड़ियों का हिलना बंद हो जाता है और झाड़ियों के हिलने के बंद होने के साथ ही वो कदमों की आहट जो पलक को सुनाई दे रही थी वो सुनाई देना भी बंद हो जाती है। पलक जहां पर थी वहीं पर रुक जाती है। पलक हैरानी के साथ मन में सोचने लग जाती है, ये क्या कदमों की आहट सुनाई देना कैसे बंद हो गई और अब तो झाड़ियां भी नहीं हिल रही हैं, ये कैसे हो सकता है, वो शख्स मेरे सामने से ही तो गुजर रहा था। पलक सामने की तरफ बड़े गौर से देखने लग जाती है।
वो 5-6 कदम आगे जाकर कुछ आगे भी बढ़ जाती है उस शख्स को देखने के लिए, पर उसे वो शख्स कहीं नजर नहीं आता जो उसके आगे चल रहा था। पलक अपने आसपास देखते हुए कहती है, कहां पर चले गया वो यूं अचानक से? अभी तो मेरे आगे ही चल रहा था, मैंने उसे देखा भी था। पलक हैरान रह गई थी, उसके समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से वो शख्स ऐसे कहां पर गायब हो गया था। वो बार बार अपने आसपास देख रही थी पर उसे कहीं पर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। पलक मन में सोचने लग जाती है, कहीं उस शख्स को पता तो नहीं चल गया कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ और वो मुझे देखकर छुप गया हो। पलक इस बारे में ज्यादा कुछ सोच पाती उससे पहले ही उसके दिमाग में एक और ख्याल आ जाता है और वो खुद से बोल पड़ती है, नहीं नहीं, उस शख्स को कैसे पता चलेगा कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ, उसने तो एक बार भी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा था, अगर देखा होता तो मुझे उसका चेहरा तो दिख ही जाता। पलक अपनी नजरें सामने की तरफ करते हुए खुद से कहती है, जरूर वो शख्स और तेजी के साथ आगे ही गया होगा और मैं उसे देख नहीं पाई होंगी, आखिर वो चल भी तो मुझसे तेज ही रहा था, मुझे भी आगे ही बढ़ना चाहिए, हो सकता है वो मुझे पहाड़ की चढ़ाई नीचे उतरने के बाद मिल जाए, और वैसे भी मुझे भी तो पहाड़ की चढ़ाई उतरनी है, अब मुझे और देर नहीं करनी चाहिए। यही सब सोचकर पलक अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है और पहाड़ की चढ़ाई उतरने लग जाती है। पर चढ़ाई नीचे उतरते वक्त भी पलक अपने आसपास ही देख रही थी, उसे उम्मीद थी कि शायद उस शख्स की आहट उसे दोबारा सुनाई दे जाए, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, वो खुद ही अपने कदम अकेले आगे बढ़ाते रहती है। पलक आधी पहाड़ की चढ़ाई उतर गई थी और अब पहाड़ की ढलान वाले सिरे पर पहुंच गई थी। पलक अपने कदम आगे बढ़ाते हुए पहाड़ की चढ़ाई उतर ही रही थी कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे मौजूद है। पलक पीछे मुड़ती उससे पहले उसकी पीठ पर कोई अपने दोनों हाथ रखता है और जोर से धक्का दे देता है, जिस कारण पलक का बैलेंस बिगड़ जाता है। पलक चीख पड़ती है, आ बचाओ! इसी चीख के साथ पलक गुलाटी खाते हुए पहाड़ की ऊंचाई से नीचे गिरने लग जाती है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।